पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 24 घंटे से भी अब कम समय रह गया है रिजल्ट, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने में। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार महागठबंधन की तरफ से अभी भी दावे किए जा रहे हैं 300 पार के, और वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से अभी भी बातें की जा रही हैं 400 पार की। अब देखने वाली बात यह है कि अब बस 24 घंटे से भी कम समय रह गया, 24 घंटे बाद क्या नतीजा निकल कर आएगा वो सबके सामने होगा। आखिरकार एक तरफ बीजेपी के खेमे में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही है, आखिरकार कैसी ये उत्साह है। और ठीक अभी निर्णय आने से ठीक पहले एक मीटिंग बुलाई जाती है पटना के चाणक्य होटल में, आखिरकार इस मीटिंग में क्या कुछ बातें होंगी, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है पूनम सिंह, बीजेपी प्रवक्ता। तो चलिए चलकर उनसे बातें करें। इस पर जो अभी एग्जिट पोल अभी तक का दिख रहा है, जिसमें एनडीए जो बढ़त बना चुकी है और दूसरी तरफ महागठबंधन जो कहा करती थी उनकी 300 पार, क्या कहना है इस पर? देखिए, इस बार जो लड़ाई है 24 की, तो भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त लड़ाई है। आज भारत विकास की तरफ बढ़ चुका है और 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करके दिखाया है, जो रोड से लेकर बिजली से लेकर घर घर नल जो योजना पहुंची है, चाहे निःशुल्क 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को मिला है, या हम कहें कि 10 करोड़ से ज़्यादा ऊपर महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, तो इसकी लड़ाई किसी ने लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने लड़ी है। और जनता भरपूर दोनों हाथें फैला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अच्छा, अभी जस्ट परिणाम से पहले अभी अहम बैठक बुलाई गई है, आखिरकार किन किन बातों पे, किन किन विषयों पे यहाँ पे चर्चा होगी? देखिए, बैठक वैसे कोई नहीं, आपसी हम लोग बैठ करके जो हम लोगों ने लोकसभा में गए थे उसकी चर्चा हुई, और विशेष कुछ नहीं। हम लोगों का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का काम किए थे उस काम पर हम लोगों की बातें हुई कि उस काम की बदौलत हम लोग आ रहे हैं 400 पार। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नारा नहीं, ये जनता का नारा है। जनता ये संदेश दे रही है कि हम लोग बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट जिता कर दे रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से एग्जिट पोल पे भी सवाल उठाई जा रही है, कही जा रही है कि एग्जिट पोल का भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, जब ये जीतते हैं तो एग्जिट पोल इनकी सही होती है, ये कर्नाटक में जीते तो इनकी सही रही है, बंगाल में जीते तो इनकी एग्जिट पोल सही रही है, और जब ये हार रहे हैं तो एग्जिट पोल गलत है। तो ये सरासर इनका कहना गलत है, क्योंकि जो जनादेश जनता ने दिया है तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को, वो जनादेश बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। और ये लोग कुछ भी कहे, एग्जिट पोल में बदलने वाला है, ये लोग भ्रम है, भ्रम फैलाते रहे। बिहार और देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है, तो बन रहे हैं। एक तरफ अभी परिणाम आया नहीं है, दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है, कहीं कहीं पर तो लटुए भी बढ़ रही है, क्या? देखिए, ये उत्साह, क्योंकि ये उत्साह पब्लिक का है, पब्लिक आप कहीं भी देखें कि किस तरह से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेताओं की जो रैलियां हुई थी, किस तरह से चरम पर भीड़ थी, इतनी तपती धूप में भी लोग आ करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ जी की बात करें, तो लोग योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, तो अपने भरपूर गर्मी में भी लोग आ करके अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे थे। इस तरह से हम लोग जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं और जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना लिया है। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि पूनम सिंह जी का कहना था कि साफ तौर पे इस बार जो 2024 का जो चुनाव है वो भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त चुनाव हुआ है। इनका कहना है कि ये बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया कि 10 साल से जब वो केंद्र में है और वो कितने काम किए इन्होंने साफ तौर पर बताया। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा एग्जिट पोल पे जो अभी सवालें उठ रही है उन पे भी इन्होंने निशाना साधा और साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, इस बार भाजपा और एनडीए जो है पूर्ण बहुमत से जीत रही है, और बिहार की 40 की 40 सीटों पे भी ये दावा कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 24 घंटे बाद क्या कुछ हमारे सामने नतीजा निकल कर आएगा वो तो सबके सामने रहेगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें भारत लाइव। जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।